हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों का महाकाल का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो चुका है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग जा रहे हैं ओम कालेश्वर के मंदिर। तो जैसे कि आप देख सक रहे हैं, मैं हम लोग सभी गाड़ी में बैठे हुए तो ट्रैवल कर रहा हूँ, रात भर जगे हुए यहाँ से जा रहा हूँ ओम कालेश्वर जी के मंदिर। तो चलता हूँ, यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है, 3-4 घंटे का जो भी रास्ता, पता नहीं कितना देर लगेगा। तो आपको आप वीडियो में बने रहिएगा, तो वहाँ जाके मिलता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर रास्ता में कुछ अच्छा नज़ारा मिलता है वो भी दिखाता रहूँगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस, फाइनली हम लोग सभी पहुंच चुके हैं ओम कालेश्वर जी के मंदिर। तो यहाँ हमारे गाड़ी पार्किंग पे लग चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर के। तो हमारे करीबन 3-4 घंटा लग गया यहाँ पे गाड़ी में आते हुए महाकाल मंदिर से ओम कालेश्वर। रास्ते में एक बार रुके थे, लंच किए थे, और अभी जाते मंदिर के अंदर। तो पूरा वीडियो में बने रहिए, मंदिर के अंदर आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का मंदिर और कैसा है, तो सारा डिटेल आपको दूंगा। तो वीडियो में एकदम से बने रहिए। तो गाइस, हम सभी दोस्त लोग धीरे धीरे ओम कालेश्वर मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको भी लेके चलता हूँ ओम कालेश्वर जी के मंदिर पे। तो गाइस, ये ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार है, इसके यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, जैसे आप देख सक रहे हैं, हम लोग ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ सभी लोग, और ये साइड पे डैम है, और इस नदी को पार करके ही हम लोगों को ओम कालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। अगर आप चाहे हो तो बोट से भी जा सकते हैं, पार कर सकते हैं, आपका आपकी मर्जी, आप जैसे भी जा सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं, देखिए ब्रिज। हम सभी दोस्त लोग मिलकर एक साथ महादेव के मंदिर के अंदर घुस चुके हैं, ओम कालेश्वर मंदिर के अंदर। तभी जा रहे हैं हम लोग पूजा करने, वीडियो में बने रहिए, आपको भी दर्शन करवाऊंगा। तो गाइस, हम लोग धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए ओम कालेश्वर मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, अंदर आपको महादेव का दर्शन करवाऊंगा।
तो गाइस हम लोग का ओमकालेश्वर मंदिर में पूजा देना हो चुका था, तो अभी सोचे चलो बोट का राइड कर लेते हैं। यहाँ पे जब आए तो बोट का राइड भी कर लेते हैं, फिर कब आना होगा नहीं आना होगा तो चलते हैं अभी बोट का राइड करने के लिए। अभी देखिए पहाड़ों के बीच से हम लोग जा रहे हैं नदी के धार पे, तो वहाँ जाते हैं बोट का राइड करने के लिए। तो आपको बताता हूँ वहाँ पे कितना लेगा बोट का राइड का प्राइस और क्या कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में एकदम से बने रहिए। तो जैसे देख सक रहे हैं आप यहाँ पे बोट लगे हुए हैं और ये सारे लोग बोट पे घूमने जा रहे हैं। ओ भैया आप बोट वाले? भैया कितना करके? ओ भैया कितना करके ले रहे? कितना करके पर हेड? कितना जाना है? मंदिर जाना है कि उधर की पार जाना है? बंदे हम लोग घूमेंगे। पर हेड एक जन का 150 रुपया। तो गाइस जैसे कि देख सक रहे हैं यहाँ पे 150 रुपये ले रहा है। तभी हम लोग भी जा रहे हैं बोट पे। देखे मेरे दोस्त लोग उस बोट पे उठ गए, अभी हम लोग भी जा रहे हैं। आप उस बोट पे राइड पर अगर करते हैं तो ये सेफ्टी गार्ड जरूर से पहने, सेफ्टी जैकेट जो कि आपका लाइफ जैकेट है ये पहनना जरूरी है। तो मैं भी पहन लेता हूँ और राइड करने से पहले अच्छी तरह से इसे देखिए, सेफ्टी जैकेट है ये लाइफ जैकेट, इसको पहनना बहुत ही जरूरी होता है। पहनने से आपके लिए अच्छा रहेगा और इन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं भी पहन लेता हूँ। देखिए जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ, कभी यहाँ बैठ जाता हूँ और राइड करता हूँ, राइड मज़ा उठाता हूँ। तो गाइस देखिए जिसे जिसे जैकेट मिला है लाइफ जैकेट वो लोग पहन लिया है और बाकी लोग को जैकेट कम पड़ चुका है इसलिए वो लोग नहीं पहन पाया। तब गाइस ये तो हीरो है हमारा भाई, मजा आता है समुद्र में नहाने में। ये नर्मदा नदी है तो हम लोग तैरने आता, स्विमिंग आता है, इसलिए डर नहीं है, मजा आएगा। हम लोग राइड कर चुके हैं, अब बोट लगने वाला है। तो सारे मेरे दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ आया हूँ एकदम फ्रंट पे मस्ती करने के लिए। गाइस हम लोगों का राइड हो चुका है और हम लोग किनारे पे आ चुके हैं, जैसे आप देख सक रहे हैं। आ रहा हूँ।
तो गाइस आज अभी पूरा संपन्न हुआ हम लोग का पूजा उज्जैन मंदिर महा ओमकालेश्वर और मंगलेश्वर सारे जगह घूम चुके हैं। तो अभी जाते गाड़ी पे तो दोस्त लोग से मिलते, इसके बाद चलेंगे इंदौर, तो इंदौर में साइट सीइंग करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहो। तब तक टाटा बाय बाय।